हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। कैबिनेट मिशन प्लान का पार्ट था कि इंटरिम गवर्नमेंट कायम की जाएगी नए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक अबूरी हुकूमत, और जो पार्टी कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करेगी उसको गवर्नमेंट बनाने की दावत दी जाएगी, जो उसको रिजेक्ट करेगी वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी। मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट करने का ऐलान किया था और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन प्लान को। उसूलन मुस्लिम लीग को दावत मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस की तरफ इंक्लाइंड थी, उन्होंने कांग्रेस के बगैर वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट बनाने के लिए इन्वाइट नहीं किया, कांग्रेस को इन्वाइट कर लिया। ये एक बड़ी करप्शन थी, धांधली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। कायदे आजम ने मुस्लिम आवाम को हुक्म दिया कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और डायरेक्ट एक्शन डे मनाएं, योम रास्त इकदाम 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। मुस्लिम आवाम ने पुरअमन जलसे किए, जुलूस किए, मुजाहरे किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस धांधली के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जो ब्रिटिश टाइटल होल्डर्स थे उन्होंने अपने तमगे और एजाजात ब्रिटिश को वापस कर दिए एहतजाज के तौर पर। बहुत पुरअमन ये प्रोटेस्ट थे, लेकिन हिंदू बलवाइयों ने, हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इन पर हमले किए और कोलकाता में ही हज़ारों लोग इन फसादात की भेंट चढ़ गए और ये ब्लडी प्रोटेस्ट में चेंज हो गया, यानी बहुत खून खराबा हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। उन्होंने घबराहट में अब मुस्लिम लीग को भी इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इस गवर्नमेंट में शामिल होने का फैसला कर लिया। वजारतों की तकसीम हुई, लियाकत अली खान को वजीर ख़जाना बना दिया गया। जानबूझ के एक ऐसी वजारत दी गई मुसलमानों को जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि वह हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मुसलमान अकाउंट्स में बहुत कमज़ोर समझे जाते थे, नालायक समझे जाते थे। लियाकत अली खान ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया, एक ऐसा बजट बनाया जिसको हिस्ट्री में पुअर मैंस बजट के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने टैक्सों का सारा बोझ अपर क्लास पे डाल दिया, कैपिटलिस्ट क्लास पे डाल दिया, और ज़्यादातर जो सरमायादार तबका था वो कांग्रेस के बिजनेसमैन थे, जो कांग्रेस को बड़े बड़े चंदे देते थे। कांग्रेस इस बात पर चीख उठी, उन्होंने कहा कि जानबूझ के कांग्रेस के इंटरेस्ट को हिट करने के लिए मुस्लिम लीग ने यह बजट पेश किया है। इख्तिलाफात इंटरिम गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए और यह हुकूमत नाकाम हो गई और ब्रिटिश ने तंग आकर इंडिया को डिवाइड करने का फैसला कर लिया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि हम इंडिया को जून 1948 तक इंडिपेंडेंस दे देंगे, अगर इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पावर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएं। और इस तरह से जो लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, वो इंडिया में आ गए। लॉर्ड वेवल वापस चले गए और उन्होंने इंडियन लीडर्स से बात की। पता ये चला कि इंडियन लीडर्स में कंसेंसस या एग्रीमेंट डेवलप नहीं हो रहा। माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल ले लिया, कांग्रेस मुस्लिम लीग और मेजर पार्टी से भी इसका अप्रूवल ले के इसको फाइनली प्रेजेंट कर दिया। और ये पार्टीशन प्लान क्या था, इट गोज डाउन इन हिस्ट्री एज थर्ड जून प्लान। पहला पॉइंट ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर इम्पोज नहीं करेगी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, लेकिन इंडियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन प्रोविंसेस को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिन यूनिट्स को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस करेंगे, यानी इंडिया जो है उसकी डिविजन होगी। और फिर कहा गया कि प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उनको ये इजाज़त होगी कि वो जिस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, दोनों में से किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना चाहें। प्लान में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज थे सबके लिए। पंजाब और बंगाल की असेंबलीज ने डिसाइड करना था कि वो किस सूबे का हिस्सा बनेंगे। NWFP में रेफरेंडम होना था, रेफरेंडम का मतलब होता है टू टेक ओपिनियन थ्रू वोट। और बलोचिस्तान का शाही जिरगा और म्यूनसिपल कमेटी ने डिसाइड करना था। बलोचिस्तान की कोई असेंबली नहीं थी, इसको प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिला था, और सिलेट एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट था, इसकी आवाम ने रेफरेंडम के जरिए NWFP की तरह रेफरेंडम के जरिए डिसाइड करना था अपने सूबे का मुस्तकबिल। शाही रियासतें, इंडिया में 580 तकरीबन शाही रियासतें थीं। कश्मीर की मिसाल है कि कश्मीर एक शाही रियासत थी। इन्होंने भी अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था कि वो किसी एक स्टेट को ज्वाइन कर लें, यानी जोग्राफियाई तौर पर जिस स्टेट के करीब हैं या जो उनकी आबादी की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती थी, किसी एक स्टेट के साथ एग्रीमेंट करके वो इंडिपेंडेंट स्टेटस भी अपना कायम रख सकती थी। अब लास्ट पॉइंट क्या था कि पावर्स वर टू बी ट्रांसफर्ड बाय द ब्रिटिश टू वन और टू सक्सेसिव स्टेट्स विद डोमिनियन
डोमिनियन स्टेटस, यानी इंडिया और पाकिस्तान को जो पावर्स ट्रांसफ़र होंगी उनको डोमिनियन स्टेटस हासिल होगा, जब तक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिया के मामला अपने अपने मुल्कों के मामलों को चलाएंगी, इसीलिए उनको डोमिनियन स्टेटस कहा गया कि दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया की आज़ादी का एक कानून पास कर दिया जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे कि 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश इकतदार इंडिया के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल अब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और जो बनने वाली रियासतें हैं सक्सेसर स्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कॉन्स्टिट्यूशन था इसके तहत, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मामलात को चलाएंगे अपने अपने मुल्कों के मामलात को, इसमें अगर तब्दीली की ज़रूरत है तो कर लेंगे, जब तक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने मुल्कों को चलाएंगे। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, और हिस्ट्री में मुस्लिम्स की जो फ्रीडम मूवमेंट थी वो इख्तिताम को पहुंची, कामयाबी उसको मिली और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। प्रोविंशियल असेंबलीज जो पंजाब और बंगाल की थी उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, लेकिन आपको पता है कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था और बंगाल भी पंजाब में, आधे पंजाब में ईस्ट पंजाब जो कि अब इंडिया में, वहाँ पर सिखों की बहुत बड़ी तादाद है और आधा पंजाब अब पाकिस्तान का हिस्सा है, बंगाल आधा बंगाल जो है वो बांग्लादेश बना हुआ है और आधा इंडिया के पास है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी दो हिस्सों में, यानी एक में हिंदू ज़्यादा थे एक में मुसलमान ज़्यादा थे, तो जो इनकी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी पंजाब और बंगाल की, उन्होंने ये फैसला किया कि सूबों की तकसीम होनी चाहिए, पंजाब को भी तकसीम होना चाहिए और बंगाल को भी तकसीम होना चाहिए। इसके लिए फिर बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया गया कि इन सरहदों की हदबंदी करेगा, तायुन करेगा सरहदों का कि कौन कौन से इलाके इंडिया के पास जाएंगे, कौन से पाकिस्तान के पास, पंजाब की भी और बंगाल की भी। सिंध असेंबली ने फैसला करना था अपने मुस्तकबिल का कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या नहीं, बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने फैसला करना था, और रेफरेंडम होना था NWFP में और सेलेट में रेफरेंडम होना था, यानी वोट के जरिए इन लोगों ने डिसाइड करना था कि वो अपना फ्यूचर क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इन इलाकों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया और इस तरह से पाकिस्तान कायम हो गया।